हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राणा लाइफस्टाइल। और अभी वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मैंने ख़रीदा है मैकबुक प्रो 15 इंच वाला। ये 2019 का लेटेस्ट वर्जन है और ये सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो है इसकी। फर्स्ट टाइम मैं कोई मैकबुक यूज़ करने वाला हूँ। आई मैक वगैरह तो यूज़ करता हूँ लेकिन मैकबुक मैं पहली बार यूज़ करने वाला हूँ। ये वीडियो उसी के लिए है, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर इसका मैं प्राइस भी आपको रिवील करूँगा कि इंडिया में क्या प्राइस आ रहा है। बेसिकली इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये 15.4 इंच का रेटिना एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले होता है जो 2880x1800 पिक्सल में है। दूसरा है 2.3 GHz 8 कोर का इंटेल कोर i9 प्रोसेसर आपका लेटेस्ट प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से। और ये क्या कहते हैं, 16 GB की इसमें 2400 mAh की DDR4 मेमोरी यानी कि रैम है। 512 GB की स्पेस होती है SSD की इसमें। और इंडिया में एक मुश्किल ये है कि हम इसे कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर से अगर ले इसको तो इसमें SSD बढ़वा सकते हैं हम लोग, इसमें ग्राफिक्स कार्ड हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंडिया में द बेस्ट वर्जन अभी तक यही आ रहा है मैकबुक प्रो का। और इसमें एक इंटेल का अल्ट्रा हाई जो USD ग्राफिक्स होता है 630 वो भी है। इसमें पोर्ट थंडरबोल्ट खाली होते हैं यानी कि USB टाइप सी के होते हैं। हेडफोन जैक है और टच बार है, टच ID है, बैकलिट कीबोर्ड है और क्या कहते हैं वाईफाई हो गई है, फेस टाइम HD कैमरा है। मैकOS प्री इंस्टॉल आती है, इसको अपडेट आप करते रहिए टाइम टाइम से। और इसका साइज़ दे रखा है 0.61x13.75x9.48 inches और वेट करीबन 1 kg 83 830 ग्राम है, यानी 1 kg 830 ग्राम है। उसको मैं ओपन करता हूँ आप लोग के सामने। इंडिया में इसका प्राइस करीबन 2,30,000 रुपये है। और अगर ग्राफिक्स वगैरह का वर्क है उसके लिए बेस्ट चीज़ है। ये आपका मैक बुक प्रो है, 15 इंच का है, सबसे बड़ा साइज का है। साथ में आपको एक आपको अडॉप्टर USB वाला दे रहा है, ये सॉकेट है उसका अडॉप्टर, और साथ में एक आपकी ये लीड है इसमें टाइप सी। अब इसमें चार्जिंग के लिए शायद टाइप सी ही USB लगती है, जहाँ तक नहीं टाइप सी नहीं लगती है, उसकी भी लीड अंदर ही कहीं पर है या मुझे देखना पड़ेगा। चलिए इसमें अगर शायद टाइप सी ही लीड लगती है इसमें, उसके बारे में मैं अनश्योर हूँ। बाकी ये मैकबुक की एक ये आपको बुकलेट मिलती है कि आप पढ़िए समझिए कैसे इसको यूज़ करें, और बाकी इसमें और कुछ नहीं है। इसका इंडिया में प्राइस 2,39,000 रुपये है और मैंने रिलायंस डिजिटल से लिया है, मुझे पड़ा है 2,20 में, ऑफ़र पे लिया है। तो ऑफ़र में मुझे मिला है एक ये 2 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव मिली है। हालांकि SSD से अच्छी तो SSD नहीं है, लेकिन ये ऑफर में थी, फ्री थी मेरे लिए, तो 2 TB की हार्ड डिस्क मिली है। और मैं हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ आपको। ये USB 3.0 है ये हार्ड डिस्क। इसमें एक USB पोर्ट वाला एक अडाप्टर भी दे रखा है, वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि तो आपको हाई स्पीड मिल जाएगी। ये हार्ड डिस्क है, साथ में आपको ये देखिए एक ये आपको एक अडाप्टर दे रखा है USB टाइप सी से, और क्या कहते हैं इसके लिए हार्ड डिस्क के लिए। ये बहुत ढूंढने पे मिलता है, खैर अब तो शायद मिल रहा है अमेजन वगैरह पर। 2 साल की इसकी वारंटी है और सीगेट कंपनी की है, ट्रस्टेबल ब्रांड है। मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये काफी प्रो मशीन है, इसको सीगल से बचाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए अभी तो मैंने वो सब नहीं लिया है कवर वगैरह, वो शायद कल मैं लेकर आऊँ। और ये देख रहे हैं आप, ये टच बार ऊपर दे रखा है, यहाँ से आपका फिंगर सेंसर भी है यानी कि आप सेंसर से ही इसको खोल सकते हैं।
और बाकी एडिटिंग वगैरह के लिए टच बार काफ़ी काम आता है। अभी मैं इस पर यूज़ टू नहीं हूँ क्योंकि मैकबुक मैं पहली बार यूज़ करूँगा और आई मैक वगैरह में सिस्टम दूसरे होते हैं। कीबोर्ड इसका थोड़ा स्पेशल है। हाँ, कीबोर्ड स्पेशल है और बैकलिट वाला है, ये देख सकते हैं आप, खुल चुका है। तो ये i9 प्रोसेसर के साथ में है, 16 GB रैम है इसकी, और क्या कहते हैं ग्राफिक्स कार्ड भी इसमें रहता है। तो ये एडिटिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी अब तक तो मतलब इंडिया में मैक की सबसे अपग्रेडेड मशीन मैकबुक मतलब यानी कि लैपटॉप के उसमें यही आ रही है। हालांकि उसको मैं अपग्रेड करना चाह रहा था लेकिन इंडिया में सुना मैंने कि होता नहीं है, सो देखते हैं फिर कभी आगे। तो ये मेरी वीडियो थी इसकी एक अनबॉक्सिंग की, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और फिर मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।